मरियम, आप जो बनाती हैं डिश आज तक की आपकी जो बेहतरीन, जो जिसकी एक्सपर्ट हैं आप, वो कौन सी डिश है? मुझे सब कुछ बनाना और ले, फिर भी सभी झूठ बोल देते हैं अच्छा बना है जो तो हमारे भाईजन को बड़ी पसंद है। अच्छा वो आलू नहीं, नहीं ये सबसे अच्छे उल्लू बनाती हैं। That too. That too. अच्छा आलू कीमा, आलू कीमा, आलू कीमा। मगर कीमा कौन सा, आप मुर्गी का कीमा खाती हैं? नहीं, मटन, बीफ, बीफ और मटन। ओ यार, ओ सर, ये यार वैसे आपको ना एक टिफिन में थोड़ा सा ले आना चाहिए था। मैं आपको बना के खिलाती हूँ। आप बना के खिलाएं। डन हो गए। कितना बेचारा भूखा होस्ट है, उस वक्त से ना ही चाय पूछी है ना ही बिस्किट, ईद का दिन है, कोई बंदा कुछ खिला देता हाँ, है कोई मिठाई है, यार मिठाई नहीं रखी, कोई गोश्त का पैकेट ही देता बादशाह है, गोश्त का है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारे हमारे मुल्क में बड़ी ईद इज आल्सो सिनोनिमस विद न्यू फिल्म्स कमिंग आउट। ओ बकरा ईद आ गई, 8-10 फिल्में आई हैं यहां। मौला जट फिर तो रिलीज हो रही है। अगली 4 ईदा पे मौला जट रिलीज हो रही है। इस साल भी कुछ 6-7 फिल्में लाइन अप हुई हुई हैं। हां अपेरेंटली हुई हुई हैं। हां आई थिंक यासिर की वो फिल्म आ रही है ईद पे। हां हालांकि इट्स इन बैड टेस्ट, इस तरह की फिल्म नहीं देखनी चाहिए। बट आई हैव हर्ड यासिर इज गॉट अ फैंटास्टिक यारियां आ रही है जिसमें 3 डायरेक्टर्स ने काम किया है साथ में, नदीम बेग साहब, मदीना खान साहब। अच्छा दैट्स अ फिल्म, आई थॉट आई वाज अंडर द इंप्रेशन इट्स अ फिल्म, इट्स अ फिल्म। एक फिल्म में 3 डिफरेंट स्टोरीज। वाह वेरी नाइस, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड। तो एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं? आम आवाम तो यही रह जाती है ज्यादा ज्यादा फिल्म देखने चले गए यार, आप लोग क्या करते हैं ईद पे? सर मैं आपका शो देखता हूं। हाय ओह हाय बाहर चले गए कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले गए यार। हमारे इस्लामाबाद में एक ट्रेडिशन है कि हम उस्मान खालिद भट्ट जी जी वो उनकी फैमिली आपा हम सब इस्लामाबाद के जितने लोग हैं हम सब वो हमें हम सबको आइसक्रीम खिलाने लेके जाती हैं। आइसक्रीम हाय ऑल द बर्गर्स टुगेदर वाओ सच अ फैंटास्टिक या लाइक यू नो हाय ऑल बर्गर्स जब इसे कहना उस्मान भी है मैंने कहा वो बर्गर एंड अ पिज्जा टुगेदर वाओ दैट्स अमेजिंग या सो यू नो हारिस या आई लव ही इज अ डार्लिंग। तो बस हमारी छोटी छोटी देन विद फैमिली एंड विद फ्रेंड्स रिश्तेदार, अब ससुराल ज्यादा बड़ा है तो अल्लाह का शुक्र शुगर मेला चलता रहा। बट साहब आपकी क्या होती है एंटरटेनमेंट यार, आप तो कोई आपने बड़ी फिल्में की हैं जो आपकी फिल्में ईद पे आई हैं। हां यार मैं एक्चुअली हम लोग सेकंड डे पे ही ज्यादा होता है बिकॉज़ फर्स्ट डे पे ना हमारा जाना बहुत होता है, मेरी फुफुओं के पास होता है, अपने कजन्स वगैरह के पास, तो कोई मिला मिलू के 15-20 घर है माशाल्लाह माशाल्लाह हाजिरी वगैरह लगती है। तो सेकंड डे पे इट्स क्योंकि हमारे यहाँ लंच हमारे यहाँ डिनर होता है। अच्छा फिर रात को अगर कोई फिल्म हो कि हाँ ये देखनी है तो फिर पूरी फैमिली निकल। ऐसा हुआ आपकी फिल्म लगी हुई है ईद पे ले गए आप? हाँ मैंने JPA ने कितनी दफा दिखाई थी, कोई ऑलमोस्ट 7 दफा मैंने JPA ये आपने आई थिंक उस पर पोस्ट भी किया। और मैं मतलब भाई खानदान वालों को 3-4 तो वो थे, फिर दोस्त यारों को लेके गया, फिर एक अपने वर्क वाले लोग थे उनको लेके गया, सो कोई मिला मिलू के मैंने 7 दफा पेड खुद टिकट पेड। अच्छा खुद ली है पेड। नहीं यार आप अपनी फिल्म को नहीं मतलब सपोर्ट करेंगे तो फिर किसको? अच्छा मेरा एक सवाल है कि जो आप जितने लोगों के घरों में जाते हैं अपने रिश्तेदारों के तो एक ही अटायर में जाते हैं या चेंज होता रहता है? नहीं देखें मेरा नाम महविश याद नहीं है, मैं एक ही शलवार कमीज में जाता हूँ ठीक है, या उष्णा नहीं है माशाल्लाह उष्णा महविश वगैरह ये लोग आपको पता है ये हर घंटे बाद अपने कपड़े बदलते हैं ईद वाले दिन, और फिर वो तस्वीर भी ओ बल्कि माया माया सबसे ज्यादा कपड़े बदलती है भाई, पैसे मिल रहे होते हैं ना वही ना, सानू केड़ा पैसे मिलते हैं भाई, गाल सुनो तुहानू बड़ा पता है कौन किन्ने वारी कपड़े बदल रहा है, महविश इन्ने बार बदल रही है, उष्णा इन्ने बार बदल रही है, माया इन्ने बार बदल रही है, मेनू एक्चुअली पता है क्या, सुनो 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 ईद ते इंस्टाग्राम देखते रहते हो ना कुड़ियां, सारी गल है ते और की हुंदा सारे ईद ते दिन ऐसे देखना अच्छा नया जोड़ा पाया है जोड़ा पाया और आपने लाइक भी करना तो महविश लुकिंग नाइस एट 9 AM महविश लुकिंग फैंटास्टिक एट 2 PM महविश लुकिंग रैविशिंग एट 8 PM तो आपने हर एक क्योंकि ये सब दोस्त हैं आपने हर एक दोस्त को कमेंट करना सपोर्ट करना होता yes. ये तो है सपोर्ट इंडस्ट्री। आपके कितने आउटफिट आपने उनसे पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ एक ही आपका भी एक आउटफिट है
यार मरियम ने नहीं फॉलो कर रहे तुसी देखिए वो जो सारी तस्वीरें हैं ना वो पहले खिंच चुकी होती हैं अच्छा लेट्स बी वेरी रियल पीपल डिस्क्लेमर फन फैक्ट वो तस्वीरें पहले खिंच चुकी होती हैं वो हाँ. हमने उसी दिन की पोस्टिंग्स लगानी होती हैं बाकी जो हम वैसे तो बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहन रहे हैं ये मैं लड़कियों के साथ थोड़ा सा सिंपैथी करता हूं बिकॉज़ इनको एक तो बहुत ज्यादा जोड़े आते हैं और इन्होंने 3 से 4 चेंजेस करने होते हैं बिकॉज ईद इज ऑल अबाउट द लुक्स एंड ईद इज ऑल अबाउट द फैशन एंड एवरीथिंग सो इट्स रियली टफ फॉर देम नो बट टेक्निकली यू आर रिपीटिंग योर आउटफिट ऑन ईद देन We sometimes do. Because you've worn it already. We do. Bunai Kabira to nahi hai ga. Nahi, aur usi din to tasveer lagani hoti hai. Shoot pehle kiya hua hota hai na. Tasveer usi din lagani hoti hai. But you wear the same outfit on either. Yeah. Sometimes, yes. Okay, cool. Why not?